por ejemplo.
तो यही था। ऑडिशन कराए हैं जिसमें महिलाओं को, लड़कियों की प्रतिभा को, उनकी योग्यता को दिखलाया गया है, निखारा जा रहा है। इसके लिए एक हम फैशन शो करा रहे हैं जो कि हमारा नवंबर एंड दिसंबर में होगा। आज हम लोग ऑडिशन लिए हैं। इस ऑडिशन में उनसे सिंगिंग और डांसिंग जो हमारे कल्चर को लेकर के है वो सब पर ध्यान रखते हुए करवाया गया है। और इसमें हम लोगों ने आज इस हिसाब से प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना की तरफ से एक पखवाड़ा दिवस मनाया जा रहा है जिसमें महिला प्रभाग का कार्य आज बांटा गया है। तो महिला प्रभाग के द्वारा हम सभी लोग मिल करके प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत जितनी भी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए सुलभ हैं और सरल हैं, जिससे वो अपनी लोन ले सकते हैं और अपनी जीविका के लिए लोन हो, आवास हो, या फिर बीमारी के लिए भी अगर आयुष्मान वाला जो कार्ड है वो भी भरवा सकते हैं, साथ ही 10,000 रुपये का लोन मिल रहा है जो स्वनिधि योजना के तहत आता है वो भी ले सकते हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका वो लाभ उठा सकते हैं। इस योजनाओं के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है और बताते हुए सारी महिलाओं से अपील की गई है कि अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं और अपने आप में कॉन्फिडेंस लाएं, क्योंकि जो कोरोना का समय चल रहा है उससे सारे लोग बहुत ज़्यादा सहम से गए हैं। लोग घर से निकलना नहीं चाहते हैं। आज भी लोगों के घर में और लोगों के मन में कोरोना का भय बहुत ज़्यादा हो गया है। लोगों को ये लग रहा है कि हमारी लाइफ एकदम बंद हो गई है, मतलब सिमट के रह गई वो भी एक कमरे में। तो हमारा ये सोच है कि अगर हम लोग विश्वास के साथ और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए इन सारी चीज़ों को ले करके थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस और कुछ नियम का पालन करके हम लोग अपनी जो जीवन धारा है उसको हम सामान्य रूप से जी सकते हैं और कर भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज महिलाओं को बताई गई हैं, लड़कियों को बताई गई हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाया गया है, उनको जगाया गया है कि आप लोग भी कुछ कर सकते हो, तो आप लोग करो और आगे आओ, हम सब उनका सहयोग देंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी का केक काटने की जन्मदिवस भी मनाया गया है, तो हमारा प्रधानमंत्री जी के लिए भी एक शुभकामना है, एक संदेश है कि वो हमारे यूथ के लिए जो आज बेरोजगार हो चुके हैं उनके लिए कुछ ध्यान दें, उनके लिए कार्य करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि युवा पीढ़ी इस समय बहुत अपने आप को लाचार महसूस कर रही है, तो इसके लिए कुछ योजनाएं आ रही हैं जो युवाओं को, बहुत सारी योजनाओं को नौकरियां भी दी जाएंगी। कुछ शिक्षा में विभाग में है, कुछ अलग डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में बहुत सारी नौकरी भी निकाली जा रही है जो हमारे युवाओं के लिए भी हैं, महिलाओं के लिए भी हैं। और स्वरोजगार के अंतर्गत वो लोग कई सारे लोन लेकर के अपनी निजी रोज़गार भी